हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तनु और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जो लोग मुझसे पूछते हैं कि तू अपनी डेनिम कहाँ से लेती है, तो उनके लिए तो उनका ये आंसर है। तो मैं बता दूँ, मैं अपनी डेनिम लेती हूँ नायका से और ये खाली पैकेट है, मैंने आप पैंट्स ऑलरेडी निकाल दी है। तो मैं आपको शो करती हूँ मेरा फर्स्ट पैंट, फर्स्ट डेनिम है ब्लू। आई लव दिस कलर सो मच, ये इतना प्यारा कलर है और इतना कंफर्टेबल है ये कि मतलब कि आपको ना फील नहीं होगा कि आपने कुछ भारी सा पहना हुआ, मतलब इतना हल्का है इसका मटेरियल है ना, इसका जो फैब्रिक है बहुत ही हल्का है और एक क्योंकि स्ट्रेचबल भी है, तो आप थोड़े से हेल्दी हो जाओ तो भी ये बहुत चलेगी। ये जीन्स नायका से है ये, और इसकी मैं प्राइस और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई होगी तो मैं इसी से सिमिलर जो भी पैंट्स वगैरह होंगी वो लिंक में डाल दूँगी। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेनिम की तरफ। मैंने सारा फैला रखा है यहाँ पर तो मुझे ना बाकी पैकेट खोलना ना पड़े। तो हमारी नेक्स्ट डेनिम है ग्रे हाई वेस्ट। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद लगी, मेरे पास एक भी ग्रे नहीं थी। हाँ ग्रे थी मेरे पास, लेकिन हाँ वो लो वेस्ट थी। तो आजकल लो वेस्ट का थोड़ा स्टाइल ना कम हो गया, इस वजह से मैंने हाई वेस्ट मंगाई ग्रे कलर की। और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कंफर्टेबल है, मतलब इसका और इसका मटेरियल सेम है, मतलब ये दोनों बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही मतलब इतना कम्फर्टेबल ना ये वो। और फिर अब हम चलते हैं अपनी थर्ड डेनिम की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है इस वक्त, अभी भी है ये। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब जब ये ट्रेंड में थी ना तो मैं सोचती थी कि खरीदूँ, लेकिन तीनों को डर भी लगा था कि ना ये मेरे को सूट करेगी कि नहीं करेगी, कि ऐसा भी होता है ना थोड़ी स्किनी लड़कियों से ना इतना इतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ी हेल्दी होती है ना तो उन पर थोड़ा अच्छा लगता है मेरे ख्याल से। तो मैंने ये वैसे मंगा लिया था कि मैं भी ट्राई करूँ कैसा है, तो बताओ एक बात, ये बहुत ही अच्छा है, मतलब इतना प्यारी फिटिंग है कि वाह लव दिस। इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है, ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा लाइट है, मीडियम है। और इसमें जो रिब है ना कि बहुत ही अच्छे है, मतलब कि इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप को थोड़ा अजीब सा फील करें, लेकिन बहुत ही अच्छे हैं ये। लेकिन एक बात और, ये ना थोड़ा हैवी है, इन डेनिम से ना ये थोड़ा हैवी है, ये तो लाइट हो गई, ठीक है। इसका जो मटेरियल है फैब्रिक है वो काफ़ी हैवी है, जो कहते हैं ना कि प्योर डेनिम जो जैसे बॉयज़ की पैंट का एकदम प्योर डेनिम होता है, सेम वही यही है, प्योर डेनिम है कॉटन। आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो करा हुआ है तो आपने मेरी कई रील्स में देखा होगा मैंने इसे वेयर करा हुआ है, और ये मुझे सच्ची बहुत ही अच्छा लगा। आप उसको ना क्रॉप टॉप के साथ हो गया या फिर शर्ट के साथ हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से स्टाइल कर सकते हो, मतलब इसमें स्टाइलिंग ऑप्शन में बहुत सारे मिल जाते हैं। स्किन में क्या होता है कि मतलब आपने नॉर्मल एक वाइट टॉप क्रॉप टॉप पहन लिया, लेकिन इसमें जब वो पहनोगे ना तो वो बहुत ही सुंदर आएगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप वाइट लेग के साथ कोई भी शर्ट डालते हो, हाफ स्लीव कर लो और पोनी टेल बना लो। आपको मुझे बताया है कि इस बारे में करो, मैंने अपनी ऑलरेडी पोस्ट डाली हुई है तो आपने देखे ना, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही ट्रेंडी है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू लव।